हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो गाइस, आज मैं आपको बताने वाला हूँ आप कैसे मोबाइल से एक प्रोफेशनल तरीके से यूट्यूब चैनल क्रिएट करोगे। तो आप लोग यूट्यूब का जो ऐप्स होता है, आप लोग इसमें से ही यूट्यूब का वीडियो अपलोड कर देते हो और इसी यूट्यूब के ऐप से ही आप चैनल क्रिएट कर लेते हो। तो गाइस, ये तरीका बिल्कुल सही नहीं है। चैनल क्रिएट करने के लिए बहुत सारा सेटिंग आपको देखना पड़ेगा, जो कि सेटिंग करने के बाद ही आपका एक अच्छी तरीके से चैनल क्रिएट होगा। तो गाइस, चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे आपको चैनल क्रिएट करना है। तो मैं पहले ही आपको बता देता हूँ, मोबाइल पे जो यूट्यूब का ऐप्स होता है, इसमें से आपको यूट्यूब का चैनल क्रिएट नहीं करना है। चाहे बाद में आप इसमें से वीडियो अपलोड कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, पर आप अगर यूट्यूब चैनल ओपन कर रहे हो तो इसमें से नहीं करना है। आपको मैं दिखाता हूँ कैसे करना है। तो आपको आपका मोबाइल पे क्रोम ब्राउज़र में जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सर्च करना है youtube.com, फिर आपको सर्च करना है। तो गाइस, ऐसा कुछ इंटरफेस आ जाएगा आपके सामने। आपको सिर्फ यहाँ पे 3 डॉट आएगा या कुछ एरो टाइप के बन के आ जाएगा, तो आपको वहाँ पे क्लिक करके डेस्कटॉप साइट पे ओपन कर लेना है। तो आपका मोबाइल पे बिल्कुल कंप्यूटर जैसा ओपन हो जाएगा। देख रहे हो, मेरे पास बिल्कुल कंप्यूटर जैसा ओपन हो गया है। तो इसके बाद आपके पास जो भी जीमेल होगा उसका लोगो आपके राइट कॉर्नर पे दिख जाएगा, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। देखो, यहाँ पर आपका जो भी जीमेल है उसको आपका लोगो आ जाएगा। क्लिक मतलब आपको टच करना है। तो मैं कंप्यूटर से कर करके थोड़ा सा आदत सी पड़ गया। तो इसके बाद सबसे पहला जो ऑप्शन आएगा, क्रिएट ए चैनल, इस पर आपको क्लिक करना है। तो फिर इसके बाद आपके पास ऐसा कुछ पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा अपलोड ए पिक्चर, आपका चैनल का जो भी आप लोगो देना चाहते हो तो आप यहाँ पे दे दो, और यहाँ से आप आपका जो भी चैनल का नेम देना चाहते हो यहाँ पे आप दे दो। तो मैं यहाँ पे डेमो XYZ लिख के रखा है, ऐसा ही डिफॉल्ट वो रहने देता हूँ। तो फिर आपको यहाँ पे क्रिएट ए चैनल पे टच करना है। तो गाइस, 50% हमारा काम कंप्लीट हो गया है। तो इसके बाद आ जाएगा कस्टमाइज चैनल और मैनेज वीडियो, दो ऑप्शन आपके पास दिख जाएगा। तो आपको यहाँ पे कस्टमाइज चैनल पे टच करना है, ठीक है। यहाँ पे दिखा रहा है गेट द ऐप। तो गाइस, मोबाइल पे यूट्यूब स्टूडियो डिफॉल्ट नहीं रहता है, सिर्फ यूट्यूब रहता है। तो अगर आप यूट्यूब स्टूडियो इंस्टॉल करना चाहते हो तो कर लो। तो यूट्यूब स्टूडियो आप जब डाउनलोड करोगे तो आप YouTube स्टूडियो से आपका वीडियो मैनेज कर सकते हो। अगर आप क्रोम ब्राउज़र से कर रहे हो तो ये वाला ऐप्स आपको डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे मैं कंटिन्यू टू स्टूडियो ये वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ, क्योंकि मुझे वो वाला ऐप्स नहीं चाहिए। तो गाइस, कुछ खुल गया है हमारा यूट्यूब स्टूडियो क्रोम ब्राउज़र पे, बिल्कुल यहाँ पे कंप्यूटर जैसा ही ओपन हो गया है। तो सबसे पहला जो ऑप्शन आएगा डैशबोर्ड, तो मैं डैशबोर्ड पे क्लिक किया, यहाँ पे कुछ ऐसा लुक देखने को मिलता है यहाँ पे आप। तो इसके बाद आ जाएगा आपका कंटेंट, आप जो भी वीडियो अपलोड करोगे यहाँ पे आपका सब कुछ वीडियो दिख जाएगा। फिर आपके पास आ जाएगा प्लेलिस्ट, आप जितने भी प्लेलिस्ट बनाओगे यहाँ पे आपको दिख जाएगा आपका सब कुछ प्लेलिस्ट। फिर आपके पास आ जाएगा एनालाइज, आपके वीडियो पे कितना रीच आया, ओवरव्यू, एंगेजमेंट, सब कुछ यहाँ पे आपको दिख जाएगा। यहाँ से आप देख सकते हो आपके वीडियो कितना रैंक किया, कितना व्यू आया है, कितना रीच मिला, ये सब आप देख सकते हो। उसके बाद कमेंट। तो इसके बाद तो बहुत सारे ऑप्शन है, आप एक बार चेकआउट कर लेना। मेन जो होता है यहाँ पे सेटिंग। तो गाइस, यहाँ पे सेटिंग को आप दिख रहा है ये वाला सेटिंग, यहाँ पे आपको टच करना है। तो सेटिंग वाले ऑप्शन ओपन हो गया है। यहाँ पे जनरल पे आपको क्या सिलेक्ट करना है, यहाँ पे इंडियन रुपीज। तो अगर आप इंडिया से बाहर हो, जिस भी कंट्री का हो, आप वो वाला कंट्री सिलेक्ट कर ले। फिर आता है चैनल। इस वाले ऑप्शन के अंदर आपके चैनल का जो भी कीवर्ड होता है, चाहे वो टेक का हो, फन का हो, कुछ भी हो, यहाँ पे आप कीवर्ड दे सकते हो आपके चैनल रिलेटेड, ओके। फिर यहाँ पे आ जाएगा अपलोड डिफॉल्ट, मतलब डिफॉल्ट टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन जो होता है ना, कुछ लिंक रहता है डिफॉल्ट हर वीडियो पे, वो वाला डिस्क्रिप्शन पे यहाँ पे आप फिलअप कर सकते हो। तो गाइज, इसके बाद भी बहुत सारा ऑप्शन है जो कि उतना काम का नहीं है, आप एक बार चेक कर लो, ओके।
तो ये सारे काम करने के बाद आपको यहाँ पे सेव पे ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो सेव हो चुका है। तो गाइज हमारा चैनल कंप्लीट हो चुका है, और गाइज आप भी ऐसे करके आपका चैनल क्रिएट कर लो। तो ऐसा कुछ सेटिंग था जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था, आपको करना चाहिए। तो गाइज यही था आज का वीडियो। वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कर देना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलता हूँ आपसे जल्दी किसी नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय।